Today we are going to discuss about flux meter. फ्लक्स मीटर क्या होता है? फ्लक्स मीटर एक डिवाइस होता है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, उसका यूज हम लोग क्या कर किस लिए करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, या फिर हम लोग किसी परमानेंट मैग्नेटिक मैग्नेट के भी मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, ओके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स किसी भी सर्किट में जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर और सीटीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, और इसका डिनोट हम लोग पाई से करते हैं, ओके, जनरली इट इज डिनोटेड बाय पाई। इसका हम लोग मेजर किससे करते हैं, अभी आप लोगों को बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स की मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स मीटर यूज करते हैं, और फ्लक्स मीटर को किसी भी कॉइल का मेजरमेंट जो फ्लक्स का किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर किसकी हेल्प से करते हैं, फ्लक्स के वेरिएशन के मेथड से हम लोग जो है इसका हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फ्लो है ये आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि फ्रॉम इंटरनली जब फ्लो होता है तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, किसी भी, ये दिस इज द मैग्नेट, और ये जब इंटरनली फ्लो कर रहा है तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल हो रहा है, और जब एक्सटर्नली फ्लो करता है तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये फ्लो करता है। और इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि ये हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करता है। देखिए ये क्लियर आप लोगों को दिख रहा है कि ये क्लोज लूप है, ठीक है, ये हमेशा जो है एक लूप क्रिएट करता है इंटरनली, एक्सटर्नली से इंटरनली तक ये एक लूप बनाता है, तो ये क्लोज लूप में फ्लो करता है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि ये मैग्नेटिक लाइन्स जो है आप लोगों का कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, आपस में, यहाँ से आप लोगों को क्लियर पता चल रहा है कि लाइन्स कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। एक और प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है कि ये लाइन्स आपस में हमेशा पैरेलल रहेंगे। क्लियर है इमेजेस से, यहाँ पर हम लोग क्लियर देख रहे हैं कि यह लाइन्स हमेशा पैरेलल में रहता है, ओके। अगर इसका हम लोग डेंसिटी देखते हैं तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग प्रीवियस क्लास में देखा था, इस चीज को हम लोग बी से डिनोट किया था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर से हम लोग क्या करते थे, मेजर करते थे, ओके। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग फ्लक्स मीटर के बारे में जानते हैं। तो फ्लक्स मीटर इज मीटर विच इज यूज टू मेजरिंग द फ्लक्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। फर्स्ट टाइप ऑफ मीटर इज नोन एज फ्लक्स मीटर। ये परमानेंट मैग्नेट या किसी भी अननोन कॉइल के अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है उसके भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है एडवांस फॉर्म ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का, ये क्या है, एडवांस फॉर्म है, ठीक है, एडवांस फॉर्म है। ये क्या, एक टाइप बैलिस्टिक जो है एक, ये एक टाइप का गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। इसका कुछ कुछ एडवांटेजेस इस टाइप से है कि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो काफी लो होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन जो होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं, वो काफी हाई होता है, हेवी होता है, ओके। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या हो, किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस इमेज में आप लोगों को क्लियर होगा कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इसमें देखिएगा कि एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक परमानेंट मैग्नेट है, दिस इज द परमानेंट मैग्नेट, ओके। ये परमानेंट मैग्नेट हॉर्स शू टाइप का होता है, ठीक है, हॉर्स शू टाइप या यू शेप का परमानेंट मैग्नेट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये जो है, और उसके बाद एक कोर होता है, कॉइल होता है जो कि फ्रीली सस्पेंडेड होता है, किसके हेल्प से, एक स्प्रिंग और सिल्क थ्रेड के हेल्प से जो है वो वहाँ पर क्या होता है कि एक कॉइल जो है ये सस्पेंडेड होता है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वो लूज हेलिक्स के हेल्प से करंट यहाँ पर फ्लो होता है, ठीक है, ओके। तो दिस इज द एस्टिमेटिक डायग्राम ऑफ फ्लक्स मीटर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर अपर सस्पेंशन तो है और मगर यहाँ पर लोअर सस्पेंशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो कंट्रोल स्प्रिंग यूज इन फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर में कोई भी कंट्रोल स्प्रिंग जो है वो यूज नहीं होता है। और एक और चीज की कॉइल को हम लोग यहाँ पर जो सस्पेंड करते हैं, इस तरह से सस्पेंड करते हैं कि हमारा जो
कॉइल है वो फ्रीली मूव कर सके बिटवीन द पोल्स। ठीक है, यहाँ पर जो एयर गैप है, एयर गैप के दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो एयर गैप है, इसमें ये जो कॉइल है वो इजिली क्या हो सके, डिफ्लेक्ट कर सके, मूव कर सके। ओके, नेक्स्ट है हम लोग आते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को भी बताया कि जो करंट इंटर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स मीटर में, वो जो है हेलिक्स के हेल्प से करता है, और हेलिक्स क्या है वो काफी थिन होता है और ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए हम लोग अच्छा कंडक्टर का यहाँ पर यूज करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिल्वर स्ट्रिप का यूज करते हैं। ठीक है, एक पतला सा सिल्वर स्ट्रिप का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, आप लोगों को बताया था कोई भी कंट्रोलिंग स्प्रिंग नहीं होता है यूज, इसलिए कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, काफी मिनिमम होगा, और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा, इसको हम लोग कॉन्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन ऑफ फ्लक्स मीटर। ठीक है, तो फ्लक्स मीटर का ऑपरेशन क्या होता है, फ्लक्स मीटर के टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, एक सर्ज कॉइल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट करते हैं इस सर्किट, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फ्लक्स मीटर। ओके, फ्लक्स मीटर के टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, एक सर्ज कॉइल कनेक्ट करते हैं, जिसका हम लोगों को फ्लक्स जो है जानना होता है, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसमें फ्लो कर रहा है, फ्लक्स लाइन का हम लोग को क्वांटिटी जानने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सर्ज कॉइल कनेक्ट करेंगे टर्मिनल के अक्रॉस। यहाँ पर हम लोग इस इमेज में अगर देखें कि कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग जो है क्या करेंगे, फ्लक्स सॉरी सर्ज कॉइल हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ओके, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस सर्ज कॉइल हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है सर्ज कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे हम लोग मेजर करेंगे, तो बाय द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स लाइन। ठीक है, फ्लक्स लिंकिंग का जो वेरी करके जब भी यहाँ पर फ्लक्स फ्लो हो रहा है कॉइल में, सर्ज कॉइल में, उसके वेरिएशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लक्स जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्लक्स लाइन हम लोग वेरी कैसे कराएंगे, फ्लक्स को हम लोग वेरी कैसे कराएंगे, तो इसका दो तरीका है। एक तो है कि कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव कर दें, ठीक है, उसको हटा दें, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू आफ्टर सम टाइम, कोई भी मटेरियल जब वहां पर कोई भी मटेरियल जब मैग्नेटाइज होता है, तो उससे मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हटाने के लिए, हटने के लिए, घटने के लिए क्या होता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो या तो हम लोग करें कि उसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा दें, या तो उसका जो है डिमैग्नेटाइज करने के लिए दूसरा मेथड होता है कि हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दें, कि पहले साउथ पोल से नॉर्थ पोल कनेक्ट करें, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल कनेक्ट करें, जब उसको रिवर्स कर देंगे पोजिशन को, या तो क्या होगा कि उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होगा, अपने आप क्या होता है, घटने लगता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके वजह से जैसे ही हम लोग डिमैग्नेटाइज करने का जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, या तो रिमूव करते हैं, और या तो फिर हम लोग पोल्स को रिवर्स कर देते हैं, मैग्नेट के पोल्स को रिवर्स कर देते हैं, उस पोजिशन में क्या होता है कि फ्लक्स जो इंड्यूस होता है उसके वजह से मैग्नेटिक ईएमएफ जनरेट हो जाता है कॉइल के अंदर। ठीक है, जो ईएमएफ जनरेट होता है कॉइल के अंदर, उसको उसी का जो हेल्प, उसी की वजह से जो है कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हम लोग कनेक्ट फ्लक्स मीटर से कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, फ्लक्स मीटर से कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो ये करंट आई जो फ्लो हो रहा है, यही फ्लक्स मीटर पर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इस आई करंट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और इसी डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, हमारा पॉइंट, हम लोग जो है फ्लक्स लिंकेज का जो वैल्यू है, हम लोग उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कितना फ्लक्स हो रहा है, और ये जो आई करंट जो फ्लो हो रहा है, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, यहाँ पर जो आई जो जनरेट होगा वो डी फाई बाई डी टी होगा, क्योंकि फाई चेंज इन फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है यही सर्किट डायग्राम है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ सर्ज कॉइल है, ये फ्लक्स मीटर है, फ्लक्स मीटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो वो ईएफ है, और यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो क्या है, इसी है। यही जो है हमारा जो है, जब हम लोग
ना डिमैग्नेटाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो यही ECMS जो है क्या होता है वो इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ही फ्लक्स लिंकेज जैसे ही वेरिएशन का रिड्यूस होता है, कॉइल जो है मूव करना स्टॉप कर देता है। क्यों? वहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की वजह से, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की वजह से वहां पर कॉइल क्या होता है मूव करना स्टॉप कर जाता है। मूव करना स्टॉप कर जाता है और यहाँ पर क्या होता है कि करंट फ्लक्स मीटर पे हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स मीटर में जो है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हाई होता है और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है वहां पर लो होता है। ठीक है, कंट्रोल डैम्पिंग या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है वो लो होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या होता है। तो इसका फ्लक्स मीटर का एडवांटेजेस ये होता है कि फ्लक्स मीटर काफी पोर्टेबल होता है। आप लोग कंस्ट्रक्शन में देखिएगा तो हम बताया थे कि स्मॉल क्रॉस सेक्शनल कोर यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, यहाँ पर जो है कॉइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है स्मॉल क्रॉस सेक्शन यूज करते हैं, इसीलिए ये काफी क्या होता है पोर्टेबल होता है। ओके, दूसरा इसको डायरेक्टली कैलिब्रेट जो है हम लोग क्या कर सकते हैं वीवर मीटर में कर सकते हैं। ओके, वीवर मीटर में हम लोग इसको डायरेक्टली कैलिब्रेट कर सकते हैं। और डिफ्लेक्शन ऑफ, नेक्स्ट इसका क्या होता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल फ्री फ्रॉम द टाइम टेकन बाय फ्लक्स चेंज। यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज में जो टाइम लगता है वो क्या होता है डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इस चीज से फ्री होता है। जैसे ही हम लोग जो है मतलब पोल्स चेंज कर देते हैं या डिमैग्नेटाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फ्लक्स चेंज फॉरन ही स्टार्ट होने लग जाता है। ओके, तो ये काफी जो है डिफ्लेक्शन पर ये इफेक्ट नहीं डालता है। ओके, नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज अगर हम लोग देखें तो ये काफी लेस सेंसिटिव होता है और एक्यूरेट भी नहीं होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर गैल्वेनोमीटर्स, ये भी एक तरह का एडवांस गैल्वेनोमीटर है, तो एज कम्पेयर टू अदर गैल्वेनोमीटर यहाँ पर क्या होता है कि सेंसिटिविटी काफी लेस होता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई एक्सटर्नल करेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्वाइल में जो है डिमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो करेंट चेंज हो रहा है उसी की वजह से जो EMF जनरेट होता है उसी को हम लोग वहां पर जो है रीड करते हैं। ओके, इसका कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन देखेंगे तो फील्ड सर्वे में होता है, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अभी आप लोग यहाँ पर देख लिया। हिस्टेरेसिस लूप ट्रेस में करने में होता है। हिस्टेरेसिस लूप मैग्नेटिक फील्ड से ही हम लोग एक लूप बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं कि जब कोई किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लोग मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग जो है हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है हिस्टेरेसिस लूप में कि जब हम लोग मैग्नेटाइज करते हैं तो ग्राफ कुछ और बनता है और डीमैग्नेटाइज के प्रोसेस में वो डीमैग्नेटाइजेशन सेम लूप सेम ग्राफ जो है सेम कर्व जनरेट ना करके वो दूसरे टाइप का कर्व जनरेट करता है, इसीलिए इसको हम लोग हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल के रिसर्च करने में कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम के प्रोडक्शन का टेस्ट करने में कर सकते हैं, वोल्टेज इंटीग्रेशन में कह सकते हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट का क्वालिटी कंट्रोल में कह सकते हैं कि कितना उसमें फ्लक्स फ्लो हो रहा है, क्या है उसका क्वालिटी कैसा है, उसके वजह से उस पर हम लोग चेक कर सकते हैं। डीसी भी हम लोग यहाँ पर डीसी करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बताया और फिर से लिख दिया मैंने। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डिटेक्शन में कर सकते हैं, मैग्नेटिक शील्ड इफेक्टिव एरर्स में कर सकते हैं। ठीक है, उसका उसमें जो भी एरर आता है ठीक है उसमें कर सकते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मैग्नेट एंड डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम्स में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह से इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज काफी ब्रॉड है बट इसका जो है इसके अंदर एक ही डिसएडवांटेज है कि ये जो है एक्यूरेट और सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।